चल निकल बाहर। पापा दिमाग खराब हो गया है तेरा? तो मेरी बेटी से प्यार करेगा? नहीं करेंगे ऐसा पापा, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए पापा, छोड़ दीजिए पापा प्लीज। हम अपनी बेटियों को कॉलेज भेजते हैं पढ़ने के लिए और तुम लोग झूठे सपने दिखाकर उन्हें फंसाते हो। बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तुमको। सर प्लीज हमें छोड़ दीजिए सर। तो यही है ना तेरा आशिक, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। हमारे गांव की लड़की चाहिए तुझे? तेरे गांव में लड़कियां कम पड़ गई थी, हमारे घर का दामाद बनने का सपना देख रहा था तू। तूने सोचा हम देखते रह जाएंगे? अभी बताता हूँ तुझे। विनय, हे अभी विनय और अमृता को। ये देश जो पीछे जा रहा है ना, वो मेरे जैसे पुलिस वालों की वजह से नहीं जा रहा है, बल्कि तुम्हारे पिता की वजह से जो जाति के बारे में सोचते हैं। मार डालूंगा तुझे। मेरे खिलाफ गई थी तू? मैं कभी आपके खिलाफ नहीं गई और न ही कभी जाऊंगी। आखिर प्यार से आपको तकलीफ क्या है, इसमें क्या नुकसान है? तुझे बताऊं क्या? मुझे बताइए। आपके लिए मैं अपनी इच्छाएं, खुशी, यहाँ तक कि अपना प्यार भी कुर्बान करने को तैयार था। सब कुछ भुला के जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन मुझे ये सब कुछ छोड़ देने का कोई सही कारण नहीं मिला। क्यों रे? मेरे खिलाफ बोलने वाला मर्द बन गया? हमने क्या क्या नहीं खोया तुझे पाने के लिए सोच भी नहीं सकता। तू जब पैदा हुआ, तेरे इस्तेमाल किए हुए साबुन और कपड़ों को मैंने इस्तेमाल किया, तेरे पैरों को जमीन पर नहीं पड़ने दिया, कंधे पर बैठाकर तुझे झुलाता रहा, खाना भी तब खाया जब तक मैंने तुझे नहीं खिला दिया, और आज तू मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। ये लड़की मेरी बीवी है, तू बोलेगा क्या मैं मान जाऊंगा? इतना पढ़ने लिखने के बाद भी तूने आखिर क्या दिया मुझे? मेरी अच्छाई का तूने ये सिला दिया? रामायण में नहीं पढ़ा? बड़ों के लिए अपनी जान दे देनी चाहिए। महाभारत से नहीं सीखा? जुबान दे देने पर जान दे देनी चाहिए। बस करिए पापा, अभी चुप रहिए दादी। रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि जी, महाभारत को लिखने वाले वेदव्यास जी किस कुल से हैं, इन सब का भगवान से कोई लेना देना नहीं है। अपनी पत्नी के लिए सबका सर्वनाश करने वाले भगवान श्री राम थे। 100 लोगों के बीच जब एक औरत की साड़ी खींची जा रही तो श्री कृष्ण ने बचाया। तो फिर कुल के नाम पे हम ये सब क्यों कर रहे हैं पापा? दूसरों का हक मार करके उससे अपना पेट भरना, ये कहां का न्याय है? दूसरों की जान लेना किस ग्रंथ में लिखा है? कौन से भगवान ने कहा है? हमने तो बस एक दूसरे से सच्चा प्यार किया है। प्यार करना गलत है क्या? हमें मार डालेंगे? मार डालिए ना पापा। पापा, प्यार करने वालों को नहीं बल्कि अपने अहंकार को मारिए। इंसान इंसान से ही पैदा होता है। एक बात और है, आज मैं खुद को ही मार देता हूँ, क्योंकि अगर हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं तो फिर मेरे जीने का फायदा क्या है, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। वक्त के साथ खुद को बदलिए पापा। हम सॉरी प्रिया, यहाँ हमारी बात को कोई नहीं समझने वाला। चलो अभी बेटा, अभी। अरे सुनिए जी, आपके लिए उसने अपने प्राणों से प्यारे प्रेम को छोड़ दिया है।
और आप उसके लिए अपनी जिद नहीं छोड़ सकते। धनंजय, क्या है ये सब बेटा? रोड पर मिली लड़की को अपनी बेटी की तरह पाल रहा है और जाति के लिए अपने बेटे की बलि दे रहा है। तू तो लोगों के लिए अपनी जान देता है ना बेटा, तो फिर ये सब करके तू अपने ही बेटे की जान क्यों ले रहा है? वो तो तेरा सगा बेटा है ना। अरे जानवर भी अपनी जाति के जानवरों को नहीं मारता, तो फिर तू इंसान होकर ऐसा कैसे कर सकता है? जयराम, हमने गलत किया है, इस गलती को सुधारने का एक मौका है, जरा सोच लो। खुद चल के आया है, मार डालो उसे। ए, रुको। मैंने प्यार किया है माँ, लेकिन आज सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा माँ। एक मिनट बेटा, तुम्हें प्यार की वैल्यू पता है? तुम्हारे पापा ने अगर एक बार मना कर दिया तो तुम क्या इसे छोड़कर चले जाओगे? प्यार कोई खेलने की चीज नहीं जिसे जब चाहे खेलकर छोड़ दिया। इस दुनिया में हर कोई इंसान अलग अलग जगह पर पैदा होता है, लेकिन प्यार के लिए किसी को दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ ने मना कर दिया, बाप ने मना कर दिया, प्यार में ये सब नहीं होता है। वो लोग प्यार की वैल्यू नहीं जानते, तो तू अपने प्यार को छोड़ देगा? खुद को क्यों धोखा दे रहे हो? शायद तुम्हारे फैमिली वाले प्यार की वैल्यू ही नहीं समझते। जाओ, जाकर बोल दो अपने माँ बाप और दादी से कि इसी क्षण, इसी पल तुम्हारा प्यार हमेशा के लिए मर गया। भैया, सरोजिनी, प्रिया की शादी तुम्हें जिससे करवानी है करवा दो, लेकिन उसके गले में मंगलसूत्र मेरा बेटा ही बांधेगा। वो मेरे भैया हैं, मैं उनके लिए उनकी जान थी। तुम्हारे पापा से प्यार करके मैंने उनसे शादी कर ली और वरमाला के साथ हम लोग घर पहुंचे। तुम्हारे पापा नीची जाति के हैं, इसलिए भैया ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इतनी हिम्मत? मैंने सामना किया। भैया नहीं, नहीं, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए भैया, हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। सरोजनी, तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ, जाओ बेटी। गणेश, उन्हें गांव की सीमा पार करने मत देना। ठीक है भाई। ए, बैठ जाओ।
बाहर निकल। भैया। भाई ने बोला है फिर भी मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। भाई की नजरों से दूर जाकर अपनी जिंदगी जी लो। ए, गाड़ी निकालो रे। मैं चाह के भी बहन को मार नहीं पाया। सरोजनी, अरे सरोजनी, इतने साल बाद देखा है तुझे। सरोजनी, मेरी बच्ची, बेटी आई है। भैया, भले ही ससुराल में सारी सुख सुविधाएं हो, लेकिन मायके का ना होना किसी भी लड़की के लिए, मायके का ना होना दुख की बात है। मुझे माफ कर दीजिए। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। भैया, अरे सुनिए, वो लोग प्रिया को लेकर जा रहे हैं। अब रुक जाओ, जिसकी बीवी है वही लेकर आएगा उसे। भाई, अगर अभी को कहीं कुछ हो गया तो मेरे बेटे को मारने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा उसे। मेरे बेटे के सामने उसकी औकात ही क्या है? हवा के झोंकों की तरह उड़ा कर फेंक देगा मेरा ये शेर। को छोड़ना नहीं। Yeah.
किरण, ये तूने क्या किया? हे किरण, इंसानों की तरह जीना, विनय को मारना मेरे पापा की गलती थी।